आउटकम्स आए, यहाँ के जो डॉक्टर्स जो 90 के दशक में यहाँ पे रहते थे, पढ़ाई करते थे, अब सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनके द्वारा भी हमें बताया गया कि किस तरीके से 90 के दशक में यहाँ पे पुलिस को सीआईडी के लोग डालने पड़े थे, रखने पड़े थे, क्योंकि ये वो हॉस्टल है जहाँ से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। आतंक की फैक्ट्री, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद को जम्मू में किस तरीके से फैलाया जाए, उस संबंध में यहाँ पे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। तो जितनी भी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है, जीएमसी जम्मू से पढ़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं, सीनियर पोजीशंस पे हैं, स्टेट में हैं, स्टेट के बाहर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये हमें उन्हीं दिनों की याद दिलाता है जिन दिनों में यहाँ पे आतंकी अंदर बैठ के आतंक को, जिहाद को चलाने का काम करते थे। देखिए, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद इसे दबाने का प्रयास किया है, एक हेट क्राइम को केवल एक स्कफल का नाम दिया है, एक जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जीएमसी जम्मू के बख्शीनगर हॉस्टल में चल रहा है, उस जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर से तोड़ने के बजाय यहां के लोकल जम्मू के बच्चों को चुप करवाने का काम किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केरला स्टोरी मस्ट वॉच मूवी है, हर एक व्यक्ति को यह मूवी देखनी चाहिए। बच्चों पे कार्रवाई करने के बजाय हम ये डिमांड करेंगे कि जी ये मूवी को चलाना चाहिए। वो इसलिए चलाना चाहिए कि एक मूवी को एक वर्ग ना देखे या लोग ना देखे, इसके लिए हिंसा का प्रयोग किया गया। और जिस सोच का प्रयोग किया गया, जिस सोच के चलते ये चीजें की गई, वो सोच देश विरोधी सोच है, वो संविधान के विरोधी सोच है। इसीलिए संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये करना चाहिए, नहीं तो एकम सनातन भारत दल, एकजुट जम्मू पार्टी ये अरेंज करेगी ऐसे सब जीएमसी के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी दिखाई जाए। हालांकि ये जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम लेना चाहिए फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन से प्रेरणा लेके, और अगर ये संविधान में विश्वास रखते हैं। जो 2 महीने के लिए निष्कासित किया गया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने केरला स्टोरी मूवी की पैरवी की, उनके निष्कासन को एडमिनिस्ट्रेशन को वापस लेना चाहिए। जिन लोगों ने मॉब इकट्ठा करके उन बच्चों पे, खासकर वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसने केवल अपनी रील में लिखा था कि मस्ट वॉच स्टोरी है द केरला स्टोरी, उस पर हमला किया, उन्हें तत्काल प्रभाव से यहां से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे जिहादी तत्वों की जम्मू के मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल, उसकी कोई जगह नहीं है। एक और जो खतरनाक तथ्य सामने निकल के आया कि जो स्टूडेंट्स ने ही बताया मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है वो ये कहते हुए कि जीएमसी जम्मू के इस हॉस्टल में तो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी चल रही है। वही 90 का दशक, आप कि जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन केरला स्टोरी को जीएमसी हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उसका शो चलाए, अरेंज करवाए। क्योंकि देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये केवल किताबी बातें नहीं है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ये केवल किताबी बातें नहीं है। जब चार्ली हेब्डो के कार्टूनिस्ट ने जब कार्टून बनाया और उस पर हमला हुआ, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो वो कार्टून अपने सारी जगहों पर रखे, पब्लिक डिस्प्ले पर रखे, ताकि संविधान की मूल भावना की सुरक्षा की जा सके। आज ऐसी ही सिचुएशन जम्मू में भी बन पड़ी है, और जिस तरीके से डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स आज जीएमसी जम्मू के बाहर बैठ के या उसके प्रांगण में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि सरकार को इस समस्या की असल जड़ में जाना चाहिए। उनकी जान को खतरा है, वो ये मानते हैं कि जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिव है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उल्टा हम देख रहे हैं कि उनको डराने का काम किया जा रहा है। अगर वाकई में संविधान की मूल भावना में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG, होम मिनिस्टर अमित शाह विश्वास रखते हैं, तो उन्हें द केरला स्टोरी, जीएमसी जम्मू और जितने भी अफिलिएट इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, चाहे वो कठुआ का हो, पुंछ का हो, वहां पे इस मूवी को चलाना चाहिए। वो इसलिए चलाना चाहिए कि एक मूवी